सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्स कैलिबर टेलीस्कोप के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूएस के साइंटिस्ट के द्वारा एक्स कैलिबर टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। कहाँ से? अंटार्कटिका के मैकमर्डो स्टेशन से। खास बात यह है कि इस एक्स कैलिबर टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है एक बैलून की सहायता से, एक हीलियम बैलून की सहायता से इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, ना कि किसी स्पेसक्राफ्ट की सहायता से। लेकिन हीलियम बैलून की सहायता से ये टेलीस्कोप जाएगी 130,000 फीट की ऊंचाई पर। ये जो हाइट है 130,000 फीट, ये उस हाइट से ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा है जिस हाइट पर कमर्शियल या फिर दूसरी एयरलाइंस उड़ती हैं। इवन इतनी ऊंचाई पर अर्थ का जो 99% एटमॉस्फेयर है वो नीचे रह जाता है, सिर्फ ऑलमोस्ट 1% एटमॉस्फेयर भी 130,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर रहता है। चलो, ये तो हमने बेसिक डिटेल्स की बात कर ली कितनी हाइट पर ये टेलीस्कोप जाएगी। काम क्या है इस टेलीस्कोप का, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत दूरी पर जो न्यूट्रन स्टार्स होते हैं, ब्लैक होल्स होते हैं या फिर दूसरी एक्सोटिक सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, इन सब से जो एक्स रेज एमिट होती हैं, उन एक्स रेज को एनालाइज किया जाएगा इस एक्स कैलिबर टेलीस्कोप के द्वारा। मेन ऑब्जर्वेशन का टारगेट क्या है? मेन ऑब्जर्वेशन का टारगेट है वेला X1। यहां पर नीचे देखिए, वेला X1 ये एक न्यूट्रन स्टार है। न्यूट्रन स्टार देखो ब्लैक होल की तरह ही होते हैं, इनका रेडियस बहुत छोटा होता है, टिपिकली 30 किलोमीटर के आसपास। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और क्लोज्ड पैक न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रन स्टार्स में। तो ये हमने बात की न्यूट्रन स्टार की। एक्स कैलिबर टेलीस्कोप का मेन ऑब्जर्वेशनल टारगेट है वेला X1। वेला X1 जो कि एक न्यूट्रन स्टार है, लेकिन ये जो न्यूट्रन स्टार है वेला X1, ये बाइनरी ऑर्बिट में है सुपर जाइंट स्टार के साथ। अब आपके दिमाग में ये आया होगा, सुपर जाइंट स्टार क्या होता है? सुपर जाइंट स्टार्स यूनिवर्स में लार्जेस्ट स्टार्स होते हैं, मतलब सन से हजारों गुना बड़े होते हैं ये सुपर जाइंट स्टार्स। जाइंट का मतलब होता है विशाल। इवन सुपर जाइंट स्टार्स का जो मास होता है सन से सैकड़ों गुना ज़्यादा होता है। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं लार्जेस्ट नोन सुपर जाइंट स्टार्स के, VY कैनिस मेजोरिस। इनका साइज सन से 2100 गुना बड़ा है। तो हम बात कर रहे थे वेला X1 न्यूट्रन स्टार, जो कि मेन ऑब्जर्वेशनल टारगेट है एक्स कैलिबर टेलीस्कोप का। ये बाइनरी ऑर्बिट में है एक सुपर जाइंट स्टार के साथ। बाइनरी ऑर्बिट का क्या मतलब होता है? जब देखो दो स्टार किसी सेम सेंटर ऑफ मास के चारों ओर चक्कर काटते हैं, मान लीजिए ये वेला X1 है, न्यूट्रन स्टार है, और ये सुपर जाइंट स्टार है, और बीच में ये है सेंटर ऑफ मास। अगर सेम सेंटर ऑफ मास के चारों ओर ऑर्बिटिंग की जाती है दोनों के द्वारा, तो इसका मतलब दोनों बाइनरी ऑर्बिट में हैं। नेक्स्ट आर्टिकल साइट्स और रोजवुड के बारे में है। रोजवुड का हिंदी में नाम है सीसम और साइंटिफिक नेम है डलबर्गिया सीसो। यहाँ पर देखो हिंदी में नाम है सीसम, सीसम की लकड़ी, सीसम का पेड़ आपने सुना होगा, और डलबर्गिया सीसो नाम साइंटिफिक नेम है। 2016 में साइट्स एक कन्वेंशन है, आपने सुना होगा साइट्स के बारे में। यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो पूरे वर्ल्ड में वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज के कॉमर्शियल ट्रेड को रेगुलेट करता है। अगर साइट्स को लगता है कि कोई एनिमल या फिर प्लांट की स्पीसीज इंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या फिर थ्रेटन्ड है, उनके ट्रेड पर रोक लगाई जा सकती है साइट्स के द्वारा। यह एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 मार्च 1973 को, और इसी वजह से 3 मार्च का जो दिन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस एग्रीमेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है UNEP के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, सेक्रेटरिएट जनेवा में है। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। स्पीसीज को 3 अपेंडिक्स में रखा जाता है साइट्स एग्रीमेंट के अनुसार, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में देखो उन एनिमल्स या फिर प्लांट्स की स्पीसीज को रखा जाता है जिनका खतरा है कि वो लुप्त हो सकते हैं जल्द ही। तो ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट्स जो अपेंडिक्स वन में आते हैं उनके कॉमर्शियल ट्रेड पर पूरी तरह से बैन लग जाता है, सिर्फ साइंटिफिक और एजुकेशनल रीजंस के लिए ही उनका ट्रेड हो सकता है।
तो ये हमने बात की उन एनिमल्स और प्लांट्स स्पीसीज की जो अपेंडिक्स वन में आते हैं। अब बात करते हैं अपेंडिक्स सेकेंड स्पीसीज में जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स आते हैं। इस अपेंडिक्स में देखो उन एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को रखा जाता है। फिलहाल खतरा नहीं है कि वो लुप्त हो जाएंगे, लेकिन उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा तेज गति से हो रहा है। अगर जल्द ही उनके ट्रेड को रेगुलेट नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई, तो खतरा है अपेंडिक्स टू में आने वाले जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं वो लुप्त हो सकते हैं। और अपेंडिक्स थर्ड में जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स की स्पीसीज आती हैं, ये वो स्पीसीज होती हैं जिनको कम से कम एक ऐसे देश ने प्रोटेक्ट किया हो और वो साइट्स का मेंबर भी हो। मान लीजिए इंडिया, इंडिया ने साइट्स एग्रीमेंट को साइन किया है। कोई इंडिया में प्लांट है जिसका नाम है ए, ए को प्रोटेक्ट कर दिया है इंडिया ने, तो इंडिया बाकी देशों की भी मदद मांगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है ए प्लांट का, इसको हमने प्रोटेक्ट करके रखा है हमारे देश में, और इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इसको बंद किया जाए ताकि और बेहतर ढंग से ए प्लांट की इंडिया में प्रोटेक्शन हो सके। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं उनको डाला जाता है अपेंडिक्स थर्ड में। ये हमने बात कर ली बेसिक जानकारी की साइट्स के बारे में। अब आते हैं मेन आर्टिकल की तरफ। रोजवुड यानी शीशम का जो पेड़ है, इस प्लांट को डाल दिया गया था साइट्स की 17 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी 2016 में जोहान्सबर्ग में। तो इस शीशम के पेड़ को डाल दिया गया था अपेंडिक्स सेकंड में। अब आपको पता है अपेंडिक्स सेकंड में जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स आते हैं उनके ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, ट्रेड मुश्किल हो जाता है, परमिट लेना पड़ता है। इंडिया इस चीज़ के अगेंस्ट है। शीशम की लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में हैंडीक्राफ्ट के लिए, फर्नीचर के लिए, इवन मेडिसिनल एडवांटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं शीशम की लकड़ी के, सीधा मेडिसिन सिस्टम में स्किन डिसऑर्डर के लिए और स्टोमक रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है शीशम की लकड़ी का। तो इंडिया कह रहा है कि भैया आप इसे साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड से हटा दीजिए, क्योंकि ट्रेड करना मुश्किल हो गया है शीशम की लकड़ी का। कोलंबो में साइट्स एग्रीमेंट की 18th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होगी कहां पर, कोलंबो में। तो उससे पहले इंडिया ने मांग की है कि शीशम का जो प्लांट है इसको अपेंडिक्स सेकंड से हटा दिया जाए, क्योंकि खतरा यह भी है जो अपेंडिक्स सेकंड में एक बार आ जाता है प्लांट या फिर एनिमल, उसको अपेंडिक्स वन में भी डाल दिया जाता है, और एक बार अपेंडिक्स वन में आ गया फिर तो शीशम की लकड़ी का ट्रेड बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड हो जाएगा, बैन लग जाएगा शीशम की लकड़ी के ट्रेड पर। तो इंडिया के लिए काफ़ी नुकसान की बात होगी, इसीलिए इंडिया ने मांग की है इसको हटा दिया जाए अपेंडिक्स सेकंड से। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल रिन्यूएबल 2018 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के बारे में है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। देखो रिन्यूएबल 2018 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट रिलीज़ की गई है रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी के द्वारा, छोटा नाम है REN21। इस रिपोर्ट के अगर कुछ मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करें, इस रिपोर्ट में बोला गया है 2016 तक अगर 100 यूनिट टोटल एनर्जी का कंजम्पशन है तो 100 में से 18.2 एनर्जी का कंजम्पशन है रिन्यूएबल एनर्जी का। और इंडिया की पर्टिकुलरली हम बात करें, अगर हाइड्रो पावर को हम मिला लें तो पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल पावर के मामले में इंडिया का स्थान 5वां है। अगर हाइड्रो पावर को हम निकाल दें तो पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल पावर के मामले में इंडिया का स्थान 4था हो जाएगा। ये आंकड़ा है 2017 के एंड तक का। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा के अनुसार हमारे देश में अभी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 73.35 गीगावाट। यह आंकड़ा अक्टूबर 2018 तक का है, और इस 73.35 गीगावाट में विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 35 गीगावाट, सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 24 गीगावाट, और स्मॉल हाइड्रो पावर का कंट्रीब्यूशन है 4.5 गीगावाट, और सबसे लास्ट में बायो पावर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 9.5 गीगावाट। कुछ और मुख्य बातें इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया है, 2017 में मान लीजिए 100 यूनिट्स नई इलेक्ट्रिसिटी का एडिशन हुआ, तो 100 में से 70% नई इलेक्ट्रिसिटी का जो एडिशन हुआ है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है। मतलब अब नया जो एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में, नया एडिशन
मेनली रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है। 2017 में सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की जो कैपेसिटी है वो 29% तक बढ़ गई। अब पूरे वर्ल्ड में सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी पहुंच गई है 98 गीगावाट तक। इसके अलावा 2017 में विंड पावर की जो कैपेसिटी है उसमें भी 52 गीगावाट का एडिशन देखने को मिला। तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, खास करके पहली स्लाइड पे ये सब जो कुछ हमने डिस्कस किया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रिन्यूएबल 2018 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल निक्षय पोषण योजना के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में आंसर दिया, 1 जनवरी 2019 तक निक्षय पोषण योजना के 20,94,000 एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, जिसमें से 8,78,000 बेनिफिशरीज को बेनिफिट प्राप्त हो चुका है इस स्कीम का। इस स्कीम में देखो टीबी के जितने भी नोटिफाइड पेशेंट्स हैं वो बेनिफिशरी हैं इस स्कीम के। अगर यूपीएससी पूछे निक्षय पोषण योजना का बेनिफिशरी कौन है, सभी नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स बेनिफिशरी हैं निक्षय पोषण योजना के। होता क्या है इस स्कीम में, इस स्कीम में 500 रुपये दिए जाते हैं हर एक महीने हर एक नोटिफाइड टीबी पेशेंट को। कब तक ये 500 रुपये दिए जाते हैं हर एक महीने? जब तक एंटी टीबी ट्रीटमेंट चलता रहता है उस ड्यूरेशन के लिए हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं। और ये स्कीम रजिस्टर्ड है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के अंदर आती है। फाइनेंशियल नॉर्म्स जो हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट शेयरिंग, वो इस स्कीम पर भी लागू होते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया निक्षय पोषण योजना के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गैस हाइड्रेट्स के बारे में है। गैस हाइड्रेट देखो एक सॉलिड आइस लाइक फॉर्म ऑफ वाटर होता है। कहने का एसेंस है वाटर आइस की तरह सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। मान लीजिए ये वाटर है आइस की तरह सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ पे स्पेस खाली है। तो जो खाली स्पेसेस हैं, खाली स्पेसेस में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से गैस के मॉलिक्यूल्स? आमतौर पे देखो मीथेन गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन दूसरे गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बुटेन, प्रोपेन। समझ गए गैस हाइड्रेट क्या होता है? फिर से बोलता हूँ, गैस हाइड्रेट वैसे तो वाटर होता है आइस की तरह सॉलिड फॉर्म में, लेकिन कैविटीज में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल मीथेन के, बुटेन के या फिर प्रोपेन के। ज़्यादातर समय मॉलिक्यूल्स मीथेन के ही होते हैं। गैस हाइड्रेट्स प्रिपेयर करने के लिए नॉर्मली देखो हाई प्रेशर चाहिए और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पर देखो गैस हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन के लिए हाई प्रेशर चाहिए और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, लेकिन IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने क्या किया, डीप स्पेस यानी जो आउटर स्पेस में जो कंडीशंस होती हैं, आउटर स्पेस में कंडीशंस बताओ कैसी होती हैं? आउटर स्पेस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है और प्रेशर भी काफ़ी कम होता है, यानी आउटर स्पेस की जो कंडीशंस हैं वो अनुकूल नहीं है गैस हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने क्या किया, आउटर स्पेस जैसी जो कंडीशंस हैं वो क्रिएट की लेबोरेटरी में, और उन कंडीशंस में भी गैस हाइड्रेट्स फॉर्म करके दिखा दिए। समझ गए, यानी एसेंस ये निकलता है गैस हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन वैसे होती है मॉडरेट टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशंस में। आउटर स्पेस में मुश्किल होती है गैस हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन, लेकिन IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने लैब में वैसी कंडीशंस क्रिएट की जैसी कंडीशंस होती हैं आउटर स्पेस में, और उन कंडीशंस में गैस हाइड्रेट की फॉर्मेशन करके दिखा दी। तो गैस हाइड्रेट के बारे में क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। एक्सकैलिबर टेलीस्कोप के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने शीशम की लकड़ी के बारे में यानी शीशम के पेड़ के बारे में जो आर्टिकल था वो डिस्कस किया, साइट्स डिस्कस किया, हमने गैस हाइड्रेट्स को डिटेल से डिस्कस किया, निक्षय पोषण योजना के बारे में डिस्कस किया, और रिन्यूएबल एनर्जी से रिपोर्ट भी हमने डिस्कस की। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।